महिलाएं हैं उनसे भी विनती है कि एम्बुलेंस की तरफ आ जाए। महिला मंडल के जितने भी आज शाम का जो हम लोग कार्यक्रम है, जो मेन कार्यक्रम जिसकी हम लोग आतुरता से इंतजार कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तौर पर स्वागत एक बार फिर से श्री साथ ही साथ उनके साथ दिलीप शिंदे जी हैं, अजय नायक जी हैं, शीतल देवरुकर मैडम हैं, रौनक देसाई जी हैं, सारे लोगों का योगदान है इस कार्यक्रम में। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आज का कार्यक्रम और हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। महिलाओं से विनती है कि कृपया के आरती यह बाहर जोरदार तालियां। आज का जो कार्यक्रम इनॉग्रेशन का प्रोग्राम सफल रहा, आप सभी का योगदान, सारे गेस्ट का यहाँ पर बहुत सारा योगदान है, सभी के योगदान से आज ये प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। दिलीप शिंदे जी के हाथ से उनका उद्घाटन हो रहा है, सभी दोनों स्वागत है यहाँ पर। कुशल जी यहाँ पर आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पर कार्यक्रम में। जोरदार तालियां राजेंद्र राठौर के लिए। बहुत ही मन से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अमोल भैया से विनती करेंगे कि एक बार वो संतोष सोनावने जी भी यहाँ पर है उपस्थित, इतने उत्साह जोश के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए शिव साई सेवा मंडल की तरफ से आप सभी का उपस्थित लोगों का स्वागत है यहाँ पर। ये जो हमारी संकल्पना है फ्री एम्बुलेंस सर्विस के लिए, सर्विस एम्बुलेंस की जरूरत ना पड़े ये हमारा एम्बुलेंस हमेशा खड़ा ही रहे यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी कभी भी कोई भी जरूरत हो तो एनी टाइम सभी लोगों में अगर इमरजेंसी कोई आती तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको अमोल जी से विनती है कि चाबी लगा के एक बार किक स्टार्ट करें एम्बुलेंस। चालू लाइट चालू करो ना लाइट। अमोल जी के हाथों से आज का शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। अमोल जी से विनती करता हूँ, अमोल कीर्तिकर जी से युवा सेना जनरल सेक्रेटरी। और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां इन चमकते हुए सितारों के लिए बजाइए जिनकी वजह से आज का ये खास दिन। गोविंद भाव अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस आतिशबाजी से पहले। शिवसाई मंडल जिन्होंने स्थापित किया है, मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र दादा राजेंद्र अन्ना भी स्टेज पे रहें, आपके बिना ये स्टेज अधूरा रहेगा सर, ये सब आपकी बहुत मेहनत है, प्लीज़ एक गुजारिश है आपसे कि आप भी स्टेज पे आ जाइए। ये है खासियत इन राजेंद्र भाव की, मैं जब से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना मना करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अन्ना, बात रखने के लिए जोरदार तालियां राजेंद्र दादा राजेंद्र अन्ना के लिए। अब सही मानों में ये स्टेज जो आसमान है अब जाके पूरा हुआ।
सभी लोग उससे परिचित है, एम्बुलेंस सर्विस जो हमने एम्बुलेंस 2000 में चालू किया था, 2020 में हमने एक एम्बुलेंस सर्विस चालू किया था, फर्स्ट मार्च 2020 को। कम से कम अभी तक उसमें हम 600 से ज्यादा पेशेंट को हम लोग ने अभी तक सर्विस दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है मंडल के लिए। फ्री में हर जगह पे फ्री में सर्विस मिलता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्री सर्विस मिल कहीं पर पब्लिक के लिए किया जाता है। ये मंडल की तरफ से यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पब्लिक है, जो हमको सपोर्ट कर रही है, उन सभी के योगदान से, आप सभी के योगदान से एक कार्यक्रम हो रहा है, और आगे भी भविष्य में आप सभी का ऐसे ही साथ रहा हमको तो हम आगे भी इसी तरीके से बड़े पैमाने पे बड़े लेवल पे काम करेंगे। आज एक एम्बुलेंस है, आगे चल के कोशिश करेंगे कि ये एम्बुलेंस की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो जैसे कि मैंने बोल रहा था कि एम्बुलेंस की जरूरत लोगों को ना पड़े, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि महामारी इतनी है, कुछ ना कुछ होते रहता है हमारे देश में। तो एम्बुलेंस सर्विस की जब भी जरूरत होगी तो हम लोग एक का दो, दो का तीन एम्बुलेंस भी खड़े करने की ताकत रखते हैं। बस ये विश्वास मैं आप सभी के सपोर्ट की वजह से बोल रहा हूँ। आप सभी का इसमें बहुत सारा बड़ा योगदान है, धन्यवाद आप लोगों के लिए, सभी के लिए। अमोल जी से विनंती करूंगा कि आज के हमारे प्रमुख गेस्ट, चीफ गेस्ट, उनसे विनंती करूंगा कि वो दो शब्द मार्गदर्शन करें और हमको दो शब्द यहां पर बोले। शिवसाई सेवा मंडळाच्या माध्यमातून आज या एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस सेवेचा च्या माध्यमातून जी काही आपण सेवा देणार, त्याची जी एम्बुलेन्सचा जो काही लोकार्पण सोहळा झाला, त्याप्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि समोर जमलेले या भगतसिंग नगरमधले सर्व रहिवासी बंधू भगिनी मातांना, शिवशाही सेवा मंडल उनके जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो राजेंद्र अन्ना, उनकी पूरी टीम, उनको मैं सभी भगत सिंह नगर के रहवासियों की तरफ से मैं यहाँ उनका अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक अच्छा काम यहाँ पे जो चालू किया है उसको आगे ले जाने के लिए एक नया एम्बुलेंस आपने आज खरीदा है। मला असं वाटतं की मगाशी जे निवेदक बोलत होते सातत्याने की एम्बुलेंस ही कोणाला लागली नाही पाहिजे, परंतु ज्या वेळेला एम्बुलेंसची जरूरत असते, इमर्जन्सी असते त्यावेळेला, आणि त्यावेळेला खरोखर ह्या भागात राहणाऱ्या जनतेकडे कदाचित त्या एम्बुलेंस देण्याचे पैसे सुद्धा नसतात, आणि त्यांच्याकरता एक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी ह्याच्याकरता शिवशाही मंडळ, राजेंद्र अण्णा आणि त्यांच्या टीमनी हे काही वर्षापूर्वी ही सुरुवात केली, आणि त्याच्या माध्यमातून हा सर्व या मंडळावरती प्रेम करणारा जनसमुदाय जमवला। मला माहिती आहे की गेले 2 वर्ष कोविड काळामध्ये अनेक अडचणी या भगतसिंग नगरवासियांना आल्या, त्याच्यामध्ये आमच्यासारख्या सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते काम करत होते, परंतु खास करून कुठल्याही राजकीय पक्षाचा बॅनर न घेता आणि कुठलंही त्याच्या पाठीमागे किंतु परंतु न ठेवता अत्यंत चांगल्या पद्धतीने जर का भगतसिंग नगर आणि आजूबाजूच्या गोरगरीब जनतेसाठी जर का कोण सातत्याने उतरलं असेल तर ते शिवशाही सेवा मंडळ, राजेंद्र आणि त्यांची संपूर्ण टीम नक्कीच। कारण कसं ह्या भागात ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला एखादा पेशंट ज्यावेळेला जात असतो त्याच्याशी हितगुज केलं बोललं
तो त्यांच्याकडनं शिवशाही सेवा मंडल आणि राजेंद्र यांचं नाव नक्कीच येतं की उन्होंने हमको अच्छा मदद किया, फ्री में हमको ॲम्ब्युलन्स दी और हमको मदद की उन्होंने। कारण कसं आहे की या भागामध्ये अशा ज्या काही सेवाभावी संस्था त्या काम करत असतात त्याच्या पाठीमागे सर्व प्रकारे उभं राहणं हे बाळासाहेबांनी दिलेली आम्हाला शिकवण आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी सर्वजण राजेंद्र अण्णा आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या पाठीमागे उभे आहोत। आमचा कुठलाही याच्यामध्ये राजकीय उद्देश नाही, कारण बाळासाहेबांनी आम्हाला बायकोडूच दिलेलं आहे की समाजसेवा करायची, पक्ष भेद, जातीभेद, धर्मभेद, भाषाभेद, प्रांतभेद हे सगळं बसून हे सगळं विसरून आपल्याला समाजसेवा करायची आणि त्या समाजसेवेच्या माध्यमातून आपण सर्वजण काम करतायत। आपल्या सर्वांना शुभेच्छा। नक्कीच अजून एक ॲम्ब्युलन्स लागावी अशी माझी अजिबात इच्छा नाही आहे, परंतु या संदर्भात काम करताना आपल्याला कुठली अडचण आली, कुठल्याही प्रकारची, तन मन धन जे काय असेल ते आम्ही सर्वजण, मी असेल, दिलीप शिंदे असेल, आमचे नाईक असतील, आमचे परबसाहेब असतील, शाखा प्रमुख असतील, आमच्या महिला शाखा संघटक असतील, आमच्या शीतलताई असतील, आमच्या सर्व व्यासपीठावर बसलेले जे काही कोणी आम्ही मान्यवर आहोत, आम्ही ग्वाही देतो की ज्या ज्या गोष्टी या शिवशाही सेवा मंडळाला या स्थानिक जनतेच्या मदतीकरता लागणार आहेत त्या आम्ही नक्की उपलब्ध करून देऊ। आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आमच्या हस्ते या ॲम्ब्युलन्सचं जे काय लोकार्पण केलं त्याबद्दल परत एकदा शिवशाही सेवा मंडळ आणि राजेंद्र अण्णा आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे या ठिकाणी मी इथे आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।